हर दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टोन मास्टर। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ये जो चैनल है इसमें आपको कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, यानी डिस्टर्ब का कोई लेना ही देना नहीं है यहाँ पर दूर दूर तक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि राज्यसभा की रिपोर्टर की जो वैकेंसी आनी है उसमें तैयारी मुझे कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि लोकसभा रिपोर्टर की जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से लोगों को तैयारी करवाई थी। आई होप, मुझे ऐसा होप है, मुझे पूरी विश्वास है, लड़कों की मेहनत से विश्वास है कि शायद लड़कों को निकलना चाहिए मेरे ऑनलाइन क्लासेस से। अब बाकी देखते हैं, बाकी ऊपर वाला मालिक है और आपकी मेहनत सबसे ज्यादा, आपकी मेहनत और आपका लक। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो लक को भी आपके पीछे रहना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों। तो आपको बताते हैं पहले कि आपको रिपोर्टर की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, मैंने एडवांस आउटलाइन पढ़ाई थी, ठीक है, जिसमें 210 तक की स्पीड मैंने रीड करवाई है। जो लड़के लेना चाहें 1000 की है, उसमें 40 प्लस वीडियो है, 25 वीडियो एक एक घंटे की है, बाकी अदर वीडियो है, पीडीएफ है, तो उससे बड़े बड़े वाक्यांश आप बना सकोगे। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संबंधित, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू या प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरह के बड़े बड़े वाक्यांशों को बनाना आप सीखे। जैसे आप इंग्लिश में हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में पहले बड़े बड़े वाक्यांशों को आप खुद बनाइए, ठीक है, या कोई आपका संदिग्ध टीचर है, जो आपका टीचर है, जो आपसे संबंधित है, जिसने आपको पढ़ाया है, तो उनसे कहिए कि बड़े बड़े वाक्यांश आप बनाइए, 6 से 8 वाक्यांश, 4 वाक्यांश, 6-6 वाक्यांश को एकदम से जोड़िए, है ना। अब जैसे मान लो 140 है, 160 है, 180 है, अब 140 वाला बंदा जैसे स्टार्टिंग तो उसने 140 से करी 160 वाली स्पीड, फिर इसके बाद उसने क्या किया, 140 स्टार्टिंग करी उसने 100 से, फिर 120 गया, फिर 140 गया, फिर 160 गया, फिर 180 पहुंच गया, फिर वो नीचे आता जा रहा, फिर एकदम से उसने स्टार्ट किया, फिर ऐसे करके फ्लक्चुएशन ऐसे चलती। क्यों? सीधा बिल्कुल नहीं चलता। हर्ट भी अगर सीधा चलेगा तो वो भी उसमें भी वो ऊपर चला गया, और अगर जिसने ऐसे करके तैयारी करी तो वो सिलेक्शन से भी दूर चला गया। समझ गए मेरी बात को? यानी आपको तैयारी करनी है फ्लक्चुएशन की तरीके, समझ में आ रही बात, यानी अप डाउन अप डाउन। ठीक है, जैसे 80 वाले को 100 तक टच करना है, 100 वाले को 120 तक टच करना, और 140 वाले को 160, और 160 वाले को 180 तक टच करना है। मैं तो 210 तक टच कराया, पढ़ नहीं पाते, ये बात सही है कि वो 70% पढ़ पाएंगे, 80% पढ़ पाएंगे, लेकिन टच तो करेंगे, इतना तो है कि टच कर लेंगे, यानी पकड़ तो लेंगे, अगर जल्दी से हमने बोला तो पकड़ तो लेंगे, ये चीज बहुत मायने रखती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि राज्यसभा में पिछली बार क्या आया था, और राज्यसभा में और लोकसभा में क्या आया था, तो पार्लियामेंट की तैयारी के लिए मुझे क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या दिमाग लगाना चाहिए, जहां तक वहां तक पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं बता दूं आपको, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा में या लोकसभा कोई भी हो उसमें 140 और 160, तो 140 का अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको 160 का जो डिक्टेशन होता है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 160 का अगर आपने भरा है तो 140 का भी मिलेगा और 160 का मिलेगा। स्टार्टिंग पोस्ट ऐसी होती है कि 140 वाले से स्टार्टिंग कर दी जाती है, आपने फॉर्म 140 में भरा है तो आपका पहले होगा पेपर। ठीक है, तो 140 आपका पहले करा दिया जाता है, लेकिन होता क्या है, 160 वालों के आधार पे ही नौकरी मिलती है। ठीक है, क्या होता है कि 160 अगर आपने कर लिया है और आप 97, 98 या 96 ऐसे एक्यूरेसी आपकी जा रही है 160 वर्ड पर मिनट में, तो आपका सिलेक्शन 100% है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, आप बहुत सी बातों में नहीं है, देखिए बहुत से यूट्यूबर ऐसे बोलते होंगे कि आप ऑनलाइन जो सिलेक्शन पा भी गए होंगे, ऑनलाइन सिलेक्शन नहीं पा सकते हो आप, ऑनलाइन सिलेक्शन नहीं होते हैं। मैं कौन कहता ऑनलाइन सिलेक्शन नहीं होते, राजस्थान हाईकोर्ट में मैंने खूब सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है, RMSSB में खूब सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, कौन कहता, मैंने MPITI में बहुत सिलेक्शन दिए हैं। ठीक है, कौन कहता, कई जगह मैंने SSC में मैंने जो है सिलेक्शन दिए हैं। ठीक है, ऑनलाइन सिलेक्शन दिए हैं, हर स्टेट में दिए हैं, कौन कहता ऑनलाइन सिलेक्शन नहीं होते। भ्रामक बातें हैं इन पर, जो प्रचार ये फालतू के प्रचार होते हैं इन पर कभी मत आइए। ठीक है, आपको सिलेक्शन, आपको चिड़िया की आंख से मतलब है। ठीक है, अगल बगल चाहे कौआ बैठा हो
चाहे तोता मैना कुछ भी बैठे हो, आपको उससे मतलब नहीं, आपको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए कि मुझे सिलेक्शन पाना है तो पाना है। ठीक है, अब आपकी बात पे आते हैं दोस्तों, जो रिपोर्टर की वैकेंसी होती है, ठीक है, ये मोस्टली पार्लियामेंट वाली, ये लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये दो दिल्ली की होती है, पहले बता दे रहा हूं। लोग कहते हैं कि एमपी में सर आएगी, राज्यसभा की नहीं, तो ये दो होते हैं पार्लियामेंट, एमपी, ये क्या नाम से, लोकसभा और राज्यसभा, ये केवल दिल्ली में ही है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक, अब दोस्तों बताते हैं 140 और 160 के बारे में। तो 160 निकालने की कोशिश करिए, आप फॉर्म 160 का भरिए, फॉर्म 140 का मत भरिए। जो लोग 140 का फॉर्म भर देते हैं ना, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 140 का फॉर्म लोकसभा में भर दिया था और बाद में मुझसे बहुत पछता रहे थे, गिल्ट फेस कर रहे थे हमसे, कह रहे थे सर मैं क्या बताऊं, सर मैंने 140 भर दिया था और आपकी क्लास करके मैंने 180 पढ़ दिया, वहां पे 140 बिल्कुल हलवा आई थी और वहां पर 140 मैंने बड़े आराम से कर दिया, 2-3 बार रीड भी कर लिया। लेकिन अब क्या करें सर, हमने 140 भरा है और वहां पे तो 160 के आधार पे नौकरी मिलेगी, और आजकल 160 भी लोग कर लेते हैं, है ना। तो आपको 160 की ही भरनी है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, सभी को 160 वाला भरना है, 140 वाला नहीं भरना है। जो मेरी वीडियो नहीं देख रहे उनको भरने दो, लेकिन जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको 160 ही भरना है। ठीक, आप 160 से 180 के बीच की तैयारी करिए, फ्लक्चुएशन से। ठीक, हिंदी में है तो आप रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 कर डालिए। ठीक, 140 से 150 वर्ड पर मिनट तक आप पेपर की भी तैयारी करिए, लेकिन 160 से 180 वाली रामधारी खंड 1 और खंड 2 करिए। रामधारी जो खंड 1 है और रामधारी खंड 2 है, इसको मिक्स डिक्टेशन करिए 160 से 180 में। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, इस बार ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने ऐसा किया और आपकी एक्यूरेसी 97-98 गई, इस बार आपका राज्यसभा में सिलेक्शन होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, पहली बार आपको बता रहा हूं ये चीज कि आप राज्यसभा में जाने जाते हैं, और अगर अगर आपने मेरी क्लास करी है, ठीक है, मैं सबका नहीं कहता क्योंकि मेरे पास दिन भर मैसेज आ कॉल इतने आते पागल कर डालते मुझे, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा फालतू के कॉल आते हैं। ठीक है, जिनको करना भी कुछ नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, फालतू का कॉल आता है, लेकिन जो सीरियस होता है, ठीक है, वो सीधे क्लास ज्वाइन करते हैं और एक दिन, सिंगल एक दिन उनकी क्लास बंक नहीं होती, सिंगल एक दिन मैं बता रहा हूं। ठीक है, नहीं होती है तो कहते हैं सर गूगल मीट में आज आप बिजी हैं, सर रिपोर्टर में मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं कि अगर मैं जैसे क्लास नहीं लिया कि सर बेटा मैं आज बाहर हूं, तो सर लिंक दे दे अपना, ठीक है, गूगल मीट का लिंक दे दी, वो आपस में क्लास करते हैं, और जब क्लास, जब स्केल का आ जाएगी, डेट आ जाएगी, तो 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम, 9 बजे से क्लास 12 बजे तक चलती है, जब लड़के कहते हैं कि सर अब सोने दीजिए, तब जाके क्लास बंद होती है। बात समझ में आ रही है, ऐसे करके तैयारी करिए, तब जाके बैठ, क्योंकि एक से एक लड़का बैठा हुआ है, आप जब तक खाना खा रहे हो ना, पता कौन अगला स्किल करने में जुटा हुआ है, कौन शॉर्ट हैंड लगाने में जुटा हुआ है। इलाहाबाद में देखिए जाके, लोग आईएएस की तैयारी के पीछे इतनी इतनी जगह पे रह रहे हैं, इतनी इतनी जगह पे घुसे लेटे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, रात रात भर पढ़ते हैं, दिन दिन भर पढ़ते हैं। इसकी ऐसे ऐसे लोग मिले, यूपीएसआई का पेपर आ रहा है, ठीक है, तो यूपीएसआई का जब पेपर निकाल दिया तब जाके स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, आप सोचिए। ठीक, तो ऐसे ऐसे लोग पढ़े कि मैं क्या बताऊं स्टेनो के बारे में, भ्रामक चीजें ज्यादा हैं। देखिए कोई भी फॉर्म है, मैं कहता हूं एक वैकेंसी आती है और उसमें कहते हैं 10,000 सर इसमें फॉर्म भरे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, 10,000 में आधे से ज्यादा फालतू के लोग उसमें बैठे हैं, आधे से ज्यादा फालतू के लोग बैठे हैं, सोचते हैं जब पेपर निकल जाएगा तब स्किल की चालू करेंगे। वो बेवकूफ लड़के हैं जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये इन्होंने अभी तैयारी करी और ये तुरंत सिलेक्शन पा जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको सही गाइड करने वाला कोई नहीं मिला। समझ आए, रिपोर्टर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक दिन क्लास बंक मत करिए, एक दिन, सिंगल एक दिन। ठीक है, आपके अंदर पागलपन होना चाहिए कि मुझे पार्लियामेंट में जाना है, जहां सामने प्रधानमंत्री जी बैठे होंगे, जहां सामने उपराष्ट्रपति जी बैठे होंगे, मतलब एक
आग होनी चाहिए शरीर में, कोई चीज पानी है ना तो शरीर में एक आग होनी चाहिए। इनकम टैक्स में जाना चाहते हो तो दिमाग में पहले सपने आने चाहिए, है ना, उन सपनों में जीना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन पाओगे। अब ये थोड़ी ना पैसे के दम पे सिलेक्शन नहीं पा सकते हो। अगर आप सोचो अरे मेरी 1 लाख के ऊपर सैलरी होगी नौकरी नहीं पाओगे, लेकिन अगर सपने होंगे, हाँ ये सपना है, पा जाओगे, गारंटी कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रामधारी खंड 1 और खंड 2 की मिक्स डिक्टेशन करनी है। और रामधारी खंड 1 जो आपको करनी है वो भी मिक्स, और रामधारी खंड 2 वो भी मिक्स। मैंने तो जो मैं कराता हूं रामधारी खंड 1 मिक्स कराई, रामधारी खंड 2 मिक्स कराई, फिर रामधारी खंड 1 खंड 2 दोनों मिक्स करा देते हैं एक साथ में, एक ही डिक्टेशन में। फिर इसके बाद पेपर भी मिक्स करा देते हैं रामधारी खंड 1 के साथ, फिर रामधारी खंड 2 के साथ मिक्स करा देते हैं। तमाम चीजें मिक्स करा करा के कहां से कहां वर्ड को जोड़ देते हैं, और लड़के पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ठीक है, उनकी ऑडियो भी देंगे ताकि आप घर में जाके 50 बार प्रैक्टिस करो। अगर आपके अंदर दम है तो अपनी दम पे ना हो। देखिए टीचर गाइड कर सकता है, इससे ज्यादा टीचर कुछ नहीं कर सकता, कोई भी टीचर हो। मैं कह रहा हूं जो पार्लियामेंट में सिलेक्टेड बंदे होंगे ना वो भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं, ठीक है, है ना, ये आपको ही करना पड़ेगा। कैसे, आपकी दम पर, आपकी मेहनत पर आप सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि राज्यसभा की जब वैकेंसी आ जाएगी रिपोर्टर की तब आप कहोगे सर अब मुझे क्लास चाहिए, अरे मैं कहता हूं पहले कर लो उसको, ठीक, तैयारी करो अच्छे से। ये नहीं कि आप सोच रहे हो सिलेक्टेड बंदा कौन सा है उसको निकालें, देखो कितने लड़के पढ़ रहे हैं, कहां पर मुझे अच्छी गाइडलाइन मिल रही है वहां पर पढ़ो। मैंने ये नहीं कह रहा कि मुझसे ही पढ़ो, आप किसी से भी पढ़ो, लेकिन अभी से ज्वाइन कर लो, गाइड देखो कौन बढ़िया गाइड कर रहा है, कहां पर तुम्हें बड़े बड़े आउटलाइंस मिल रही है, कहां पर आप लिख पा रहे हो, कहां पर उसको पढ़ पा रहे हो, ठीक है, ऐसे तैयारी करो। अगर तैयारी करना चाहते हो सीरियस, अगर नहीं करना चाहते हो छोड़ दो, ठीक। और एक बात, आप अगर 160 180 के तैयारी कर रहे हो तो छोटी मोटी जैसे हाई कोर्ट है 80 मांगते हैं, ठीक है, और राजस्थान में है, अब जैसे रिपोर्टर की, राजस्थान में रिपोर्टर की वैकेंसी आने वाली है, ठीक, तो उसमें रिपोर्टर में डायरेक्ट स्किल के आधार पर नौकरी मिलती है, हाई कोर्ट में स्किल के आधार पर नौकरी मिलती है, ये तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, लेकिन आप दिमाग लगाओ कि आपको कैसे नौकरी पानी है। चिल्लाते रहते हैं सर मैंने 10 साल से नौकरी कर रहा हूं, वो मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूं सर मुझे, देखिए ये नौकरी आपको नहीं मिली, ऐसा नहीं कि आपके अंदर हुनर नहीं है, आपके अंदर हुनर है, लेकिन आपको गाइड करने वाला कोई सही नहीं मिला, समझ आ रही बात। तो आपको कैसे करना है, आपको आपको सिंपल है, आपको रामधारी खंड 1 खंड 2 आपको दोनों कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है, मिक्स। और हम मिक्स ही पढ़ाते हैं, हम कभी भी इस तरीके नहीं पढ़ाते हैं कि 80 से स्टार्ट करिए धीरे धीरे हम 80 पे सीधे ऐसे भागते चले जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके कभी सिलेक्शन नहीं होता, ऐसे करके सिलेक्शन होता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैंने कहा उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री जी, और मैंने कहा सबसे बड़ी बात तो यह है कि, अब प्रधानमंत्री जी तो हमने जैसे बोल दिया, सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं एक साथ बोल देता हूं, अब आप करो, नहीं आते वाक्यांश तो कितनी तेज कर सकते हो, पकड़ो तो उसको। मान लो आप कोई ऐसा वाक्यांश आ गया जो आप नहीं लिख पा रहे हो, जो आप नहीं लिख पा रहे हो, अब उसको लिखना है, मान लो छूट गया आप, कोई कठिन शब्द आ गया वहां पर आप टिके हुए, तब तक वो आगे बढ़ गए, 160 मायने रखता है ना, अब यहां पर आप टिके हुए तो कम से कम आगे वाक्यांश जल्दी बना के आप, जब क्रिया लास्ट में आएगी कि किया है गया है वो तो लास्ट में एक साथ बना लोगे ना कहीं आप उनको पकड़ तो लोगे। जब आप किसी चीज को पकड़ लोगे, जब आप बड़े बड़े वाक्यांश बना लो तो लास्ट में उनको पकड़ जरूर लोगे, ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने सबसे बड़ी बात क्या आपको बताई कि राम रिपोर्टर की वैकेंसी आने वाली है, और रिपोर्टर की वैकेंसी के लिए आपको 180 तक, इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, आपको 180 वर्ड पर मिनट तक तैयारी करनी ही करनी है, ठीक, और 160 वर्ड पर मिनट वाला आपको फॉर्म भरना है। उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, और छोटी वीडियो होगी 1 मिनट की या 2 मिनट की, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। जब फॉर्म आएगा तो आप लोग गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, जिससे कभी गलती ना हो, और सबको मैं जागरूक करूंगा। देखिए मेरा मतलब ये मेरा मोटिव ये नहीं है, कई लड़के सर आप तैयारी कर रहे हैं, अरे मैं तैयारी नहीं कर रहा, आई एम अ टीचर ओनली, ठीक है, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस और तैयारी करने के लिए, ठीक। या कह दो देखिए हर चीज, या तो सबसे बड़े फेलियर से पढ़िए, या तो जो वहां पर सिलेक्टेड है उससे पढ़िए, और जरूर नहीं वहां जो सिलेक्टेड है वही बढ़िया पढ़ा रहा है। देखिए जो टीचर है उसने आगे चल के बहुत लोगों को पढ़ाया होगा, या पीछे उसने बहुत सिलेक्ट कराए होंगे, है ना, तो सबसे बढ़िया टीचर से आप पढ़िए, वो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, ठीक है। टीचर देखिए एक पुलिस जो एक तैयारी करवाता है पुलिस की, ठीक है, वो
जो टीचर है वो पढ़ा रहा है आपको, तो उसने बहुत से सारे पुलिस वाले सिलेक्ट कराए होंगे, है ना। पुलिस वाला बनना है तो उस टीचर से पढ़िए, क्योंकि टीचर को पता है कि वहां कैसे कैसे उसको। और बाकी 90% आपकी दिमाग से ही आपको नौकरी मिलेगी, समझ आ रहा। जो आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा, एक बार आप पार्लियामेंट का पेपर दिया होंगे, इस बार पिछली बार ही ऐसा था, कई लड़के सिलेक्टेड बंदे थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो जो जिनकी 140 के राउंड में स्पीड थी, है ना, लेकिन उनसे मैंने कहा कि आप पेपर दीजिए जाके स्किल का, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप स्किल तो दीजिए। आज स्किल उनका हो गया, है ना, स्किल हो गया। अब उनको सेकंड टाइम में उनको ये नहीं बताना कि राज्यसभा में कि आप कैसे वहां पे पेपर देना, कैसे क्या करना। अब वो जाएंगे जोश से, आराम से जाएंगे और पेपर देंगे और आराम से सिलेक्ट होके आएंगे। और अगर अभी वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब वो खुद नहीं जाना चाहते वहां पर, समझ आया, इसका मतलब खुद नहीं जाना चाहते। क्यों? अगर आप जाना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम जब आप गए थे तो उसके बाद आपको इतनी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, चाहे जितनी बंदिशें आती आपको इतनी तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि सेकंड टाइम में जब वैकेंसी आएगी तो आपको वहां पर निकल जाना चाहिए था, ठीक है। और निकले नहीं, इसका मतलब आपने तैयारी नहीं करी है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही कहता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको, और हाँ एक बात, राज्यसभा या लोकसभा, पार्लियामेंट कोई भी हो, राज्यसभा लोकसभा 160 और विधानसभा विधान परिषद 140, ठीक है, आप लोग तैयारी करिए, रिपोर्टर की तैयारी करिए। बड़ा एम पाइए, छोटे को तो ऑटोमेटिक आप पा जाएंगे, ठीक। आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही, मुझसे मिलिए, 3000 के ऊपर का मैटर है, मान यकीन मानिए दोस्त, मैंने पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ और वीडियो यही सब बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन अगर आपने एडवांस आउटलाइन ले ली है, यकीन मानिए आप बड़े बड़े वाक्यांश को आप लिख पाएंगे, ठीक है। लिखने तैयारी करिए, मैंने हजारों को दिए वाक्यांश और किसी एक सिंगल से शिकायत नहीं आई। सिंगल शिकायत कौन करते हैं? जो ना तो करते हैं, ना तो पढ़ते हैं, ना तो पढ़ने। देखिए इस दुनिया में अगर भगवान शिव भी आ जाएंगे ना और YouTube पे पढ़ा रहे होंगे तो भगवान शिव को भी लोग समझा देंगे कि भगवान ऐसे शक्ति नहीं दी जाती, ऐसे दी जाती है, ठीक है, ऐसे जहर नहीं पिया जाता, ऐसे करके जहर पियो, ठीक है। तो आप लोग देखो, जो ऊट पटांग की कमेंट करते हैं उनसे कभी इंतफाक नहीं रखते हैं, आपको केवल चिड़िया की आंख से मतलब है। बाकी जो कमेंट करते हैं उनको आप खुद ही रिप्लाई किया करो कि वो कितने वाले कितना जाना चाहते हैं, उसी के बाद इंटरव्यू लगा होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का दूर से ही सलाम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपको तैयारी करनी है। और पिछली बार राज्यसभा में शायद 3 से 5 या 3 से 8 कुछ ऐसे ही राज्यसभा में आई थी, रामधारी खंड वन में 2 आई थी, 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ आई थी। जो रामधारी खंड वन होती है उसमें 100 एक्सरसाइज होती है, रामधारी 2 होती है उसमें 150 एक्सरसाइज होती है, रामधारी खंड 2 में 500 का एक एक्सरसाइज होती है और रामधारी खंड वन में 400 की होती है। तो रामधारी खंड वन में पिछली बार राज्यसभा में 400 की आई थी, 2, 3, 4, 5 ये 4 एक्सरसाइज आई थी, एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5 400 400 400 400 बढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग इसको तैयार कर लें, कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, जिसको एडवांस आउटलाइन लेनी है ले सकते हैं, तैयारी अभी से करिए। जो सोच रहे हैं कि राज्यसभा की वैकेंसी आ जाएगी, अभी 120 है, राज्यसभा की वैकेंसी आ जाएगी इसके बाद तैयारी करेंगे, तो आप भूल जाइए, ठीक है, आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करिए, ठीक है। लेकिन जो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, केवल फॉर्म निकलने के बाद केवल प्रैक्टिस रखिए, बस तैयारी नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फॉर्म निकलने के बाद केवल प्रैक्टिस वाला सेशन होना चाहिए, ठीक है, नौकरी आपकी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वहां पर आपको बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है, कैसे क्या तैयारी करनी है, उसके बारे में बताएंगे। और यहां पर जो प्रॉब्लम हो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये YouTube चैनल इसलिए बना है ताकि आप लोग आपस में भी डिस्कस करें, कमेंट पे भी कमेंट आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो पूछ रहा है कि सर यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो अगर आप जानते हो तो आप वहां पर कमेंट कर दो। हाँ, ये चैनल का प्रमोशन मत करना, केवल वहां पर आप ये बता सकते हो कि सर ये होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाना है हमको, ठीक है, इस चैनल पे। यहाँ पर केवल आपके लिए अपना चैनल है, ठीक है। जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं, रात में 9 बजे क्लासेस चल रही है, सुबह 7 बजे चल रही है, रात में 8 बजे चल रही है, रामधारी खंड 1 की एडवांस आउटलाइन चल रही है, रामधारी खंड 2 की एडवांस आउटलाइन चल रही है, आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और बाकी तमाम तरीके के लोग आते हैं उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, आप केवल तैयारी फोकस रखिए, यह सिलेक्शन आपका होना चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।